Hey dear Mrs. Today I will talk about the parts of IV cannula. हम hospitals के अंदर daily IV cannula use करते हैं, लेकिन क्या हमें उस IV cannula के सारे parts पता है? अगर हमें उसे सारे parts पता हो तो हम अपनी IV cannulation की practice को और improve कर सकते हैं और हमारी practice को अच्छी कर सकते हैं। और हमारी practice अच्छी होगी तो हमारे तीन major benefits होते हैं। नंबर वन, इससे patients को pain कम होगा, और जब पेशेंट्स को पेन कम होता है तो पेशेंट्स का हमारे प्रति ट्रस्ट बिल्ड होता है, और जब हमारा पेशेंट्स का ट्रस्ट होता है हमारे पर तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है तो हमारी प्रैक्टिस और इम्प्रूव हो जाती है। लेट्स टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ आई वी कैनुला। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्रेस लाइक बटन। आप देख रहे हैं नर्सिंग एक्सपर्ट। आज अपन बात करने वाले हैं आई वी कैनुला के पार्ट्स के बारे में। आई वी कैनुला के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? हम आई वी कैनुला रोज लगाते हैं, रोज़ कैनुला लगाते हैं, लेकिन अभी तक बहुत से स्टाफ्स को कैनुला के पार्ट्स के बारे में नहीं पता है। उन पार्ट्स को कैसे यूज़ करते हैं वो भी नहीं पता है। आज अपन कैनुला के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो कैनुला का सबसे आगे वाला टिप जो है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसे कहते हैं निडिल। और इसके ऊपर जो प्लास्टिक का कवर होता है इसे अपन कहते हैं कैथेटर। और ये कैथेटर के जस्ट पीछे कैनुला का मुंह, इसे कहते हैं अपन ब्रशिंग। और ये जो ये केप दिख रहा है, जैसा आप डायग्राम में मैं बना के दिखा रहा हूँ, इसको कहते हैं इंजेक्शन पोर्ट। पर ये लगाने के बाद में कोई भी इंजेक्शन अपने को पुश करना हो तो हम यहाँ से डायरेक्ट इंजेक्शन सिरिंज की सहायता से इंजेक्शन लगाया जाता है। और ये आगे जो है इसे है कहते हैं वाल्व। यहाँ पे एक वाल्व होता है छोटा सा, इसे ये लिखा हुआ दिख रहा है, इसे वाल्व कहते हैं। और ये साइड में दोनों जो वाइट वाइट है इसे कहते हैं विंग्स। ये कैनुला की विंग्स है, ये दोनों कैनुला की विंग्स हैं। और यह होता है ल्यूर कनेक्टर। इसके ऊपर ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है इसे कहते हैं निडल ग्रिप। और ये है फ्लश बैक चैम्बर। यहाँ फ्लश बैक चैम्बर, जब भी हम आई वी कैनुला इंसर्ट करते हैं, जैसे आई वी कैनुला वेन के अंदर इंसर्ट होता है तो यहाँ से ब्लड होके इस चैम्बर से होके नीडल स्टीलेट से होते हुए ये फ्लश बैक चैम्बर में हमको दिखाई देता है। जैसे ब्लड यहाँ आता है हम समझ जाते हैं कि कैनुला का टिप, ये नीडल जो है वेन के अंदर एंटर हो चुका है। और इसके पीछे जो ये वाइट कैप है इसे अपन कहते हैं ल्यूर लॉक प्लग। ये आई वी कैनुला लगाने के बाद जैसे ब्लड अपने को यहाँ फील हो या दिखाई देता है, उसके बाद हम ये निडल ग्रिप को पकड़ के स्टीलेट को बाहर की ओर खींचते हैं, इसको आउटवर्ड की तरफ लेते हैं, और इस विंग्स को यहीं पकड़ के रखते हैं और सिर्फ स्टीलेट को बाहर लेते हैं। जैसे स्टीलेट को बाहर लेते हैं तो ये कैथेटर के अंदर अपने को ब्लड दिखाई देता है। इसका मतलब ये कैनुला इन है, वेन के अंदर है और ब्लड आ रहा है। उसके बाद इस विंग्स को पकड़ते हुए स्टीलेट को बाहर की ओर लेंगे और विंग्स को अंदर की ओर वेन की तरफ अंदर इंसर्ट कर देंगे। ओके।